जल्दी लेके जाओ ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए रोना नहीं यही दिन देखने के लिए लेके आए थे मैं पूछ रही हूँ सबसे पूछ रही हूँ सारा सैन्य शुरू करा सारा झगड़ा इनका कराया है सम्मान है अगर मेडल का तो उस मेडल का हम क्या करेंगे इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे उन मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे जो अवार्ड भी है जो मेडल भी हमने जीते हैं वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे पूछ रहे उन्होंने भाई क्या हम आपके साथ में हम आपका भला चाहते हैं आप ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दो तो मैं बोली हम भी चाहते हैं मैम अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजरंग पुनिया की जी हां आपको बता दें कि बजरंग पुनिया भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पुनिया उन तमाम पहलवानों की तरह जंतर मंतर पर बीते 16 दिनों से बैठे हैं वो लगातार अपने सहयोगी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं लगातार वो उन महिला खिलाड़ियों के सम्मान के लिए लड़ते हुए इस प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं इन पहलवानों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है हमारी लड़ाई है ब्रजभूषण शरण सिंह से उस शख्स से जिसने महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया जिसने महिलाओं के साथ एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है जिसे बताने में भी शायद आपको शर्म आ जाएगी लेकिन आज यही ब्रजभूषण शरण सिंह इन महिला पहलवानों को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहा है जो वाकई में काफी ज्यादा शर्मनाक है लेकिन इस बीच आखिरकार बजरंग पुनिया को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया दरअसल आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी इसी बीच आखिरकार क्या ऐसा हो गया कि बजरंग पुनिया को वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी ये खबर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है आज के इस वीडियो में हम इसी की सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं दरअसल आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जो फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आई स्टोरी में भगवान हनुमान की एक तस्वीर बनी हुई थी और कैप्शन में लिखा हुआ था मैं बजरंगी हूँ बजरंग दल का समर्थन करता हूँ जय श्री राम अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इस पोस्ट को डिलीट करने की नौबत आ गई तो आपको बता दें कि ट्विटर पर लोग इस पोस्ट को कर्नाटक चुनाव के साथ जोड़कर देख रहे थे राजनीतिक दल कर्नाटक में बजरंग दल के नाम से प्रचार कर रहे हैं लोगों ने कहा कि बजरंग पुनिया दोगले हैं जो मंच पर कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं फिर इस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं जैसे ही बजरंग ट्रोल होना शुरू हुए उन्होंने इस स्टोरी को डिलीट कर दिया कई लोगों का ये भी कहना है कि बजरंग पुनिया का अकाउंट हैक हुआ है लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर खुद बजरंग ने ये कहा है कि इस बारे में वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह का बयान देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं इससे पहले आपको बता दें कि बजरंग की पत्नी संगीता फोगाट को भी पीएम मोदी के खिलाफ एक स्टोरी शेयर करने के लिए पूरी तरह से ट्रोल किया गया था बजरंग अब भी धरने पर है महिला खिलाड़ियों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इस वक्त जिस तरह से इस पूरे प्रदर्शन के बीच बजरंग पुनिया की इस स्टोरी ने कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की एक छवि जो है उसे धूमिल करने का काम किया हालांकि उन्होंने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया और कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ही अलग अलग तरह के कयासों को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज नमस्कार